हरि ओम नमः शिवाय। शिव का वंदन करके हर एक पापी, हर एक अच्छा इंसान सभी बंधनों से तर जाता है। शिव के अनन्य भक्त शनि, आज शनिवार का दिन 1 जुलाई सावन का महीना शुरू होने वाला है। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा सप्ताह रहा होगा। थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, परंतु जो उपाय मैं हर वीक सजेस्ट करता हूँ आप उनको फॉलो करके अपने जीवन के अधिकतम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन पा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला समय सभी लोगों के लिए अच्छा व्यतीत हो, हम बात करेंगे आने वाला सप्ताह सभी राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि का स्वामी है मंगल, शुभ रत्न है मूंगा, शुभ राशि 3 मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है, आपको हर कार्यों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। समय शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है। यदि आप विवाहित हैं तो सप्ताह आपके लिए वैवाहिक जीवन में प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा, आपको वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो यह समय एक प्यार का इजहार करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। इस सप्ताह कैरियर की राह में विद्यार्थियों को अभी और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, एकाग्रता बनाए रखें। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। सप्ताह सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय थोड़ा सावधानी बरतें, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सप्ताह अच्छा सप्ताह है, सप्ताह को और अच्छा बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है तो जानते हैं इसके कुछ उपाय। आप ये करें कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हमेशा लाल रुमाल एक अपने साथ जेब में रखें, गायत्री मंत्र का जाप करें रोज़ाना 108 बार। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको मंगल के जो नेगेटिव मैलेफिक इम्पैक्ट है उनसे छुटकारा मिलेगा और मंगल की पॉजिटिविटी मिलेगी। मंगल को और ठीक करने के लिए आपको अपने भाइयों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दूसरे जो हमारा वट वृक्ष है उसकी जड़ में यदि आप मीठा दूध चढ़ाते हैं और चिड़ियों और पक्षियों को डेली दाना डालते हैं तो ये आपके मंगल को आपके लिए शुभकारी बनाएगा और राहु केतु या शनि के जो नेगेटिव और मैलेफिक इम्पैक्ट हैं उनसे आपको दूर रख के आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा। यदि आप पॉजिटिव हैं तो सप्ताह आपके लिए एक अच्छा सप्ताह व्यतीत होने वाला है। हालांकि देखा जाए तो मैं हर राशि के उपाय हर वीक में बताता हूँ कि क्या क्या उपाय करने चाहिए, बट जो एक इम्पॉर्टेंट उपाय है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव प्लैनेट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों का दान करना, जो पॉजिटिव प्लैनेट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को धारण करना, ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो एस्ट्रोलॉजी से सजेस्ट होते हैं। रुद्राक्ष, बाकी हमारे रतन, सोना और चांदी धारण करना, कलर कॉम्बिनेशंस डे के हिसाब से पहनना, राशि के हिसाब से पहनना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि हर रोज के हिसाब से आप यदि कलर कॉम्बिनेशन को धारण करते हैं और यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप अपने ऊपर आने वाली नेगेटिव एनर्जी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अल्कोहल और जो नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे मांस मदिरा, यदि आप इनका सेवन नहीं करते हैं तो ये भी आपके थॉट को पॉजिटिव थॉट बनाने के लिए एक मददगार साबित होगा। जब आपके थॉट पॉजिटिव होंगे तो आप अपने आप को हमेशा अध्यात्म की तरफ रखेंगे, अध्यात्म की तरफ रहेंगे तो चाहे सुख है चाहे दुख आपको पता भी नहीं चलेगा, समय कैसे एक अच्छे समय की तरह व्यतीत हुआ और बुरे टाइम का कभी आपको आभास भी नहीं होगा। इन्हीं आशाओं के साथ कि आपका आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित हो, मैं महागुरु गौरव नमस्कार।